गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में मार्केटिंग पर डिस्कशन किया था। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, इस बारे में डिस्कशन किया था। एक बार फिर आपको बता दें कि असल में मार्केटिंग वो प्रोसेस है जो किसी कंज्यूमर की डिमांड को फाइंड आउट करने से लेकर उसके सेटिस्फेक्शन तक का जितना भी सारा प्रोसीजर है वो सभी मार्केटिंग है। ट्रेडिशनली हम मार्केटिंग का मतलब बाजार जाने से मानते हैं कि बाजार जाना है, सामान परचेज करके लेकर के आए और ये मार्केटिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट है, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, जिसमें कि जैसे कि हमने बात की कि मार्केटिंग में कंज्यूमर की डिमांड को फाइंड आउट करना है और उसको सेटिस्फाई भी करना है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर है कि कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसके सामने एक नई डिमांड होती है, उसकी एक नई डिमांड होती है बिजनेस के सामने, फर्म्स के सामने, और फिर से फर्म्स उस डिमांड को पूरा करने में वो उसी सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जब कंज्यूमर के पास फिर से जाते हैं रिजल्ट एनालिसिस के लिए, तो फिर से एक नई डिमांड आती है। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता ही रहता है। आज हम बात करेंगे सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। स्टूडेंट्स, जहां तक हम जानते हैं कि मार्केटिंग में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, प्रॉफिट अर्निंग है, ये सब इनके मेन फंक्शंस हैं जिन पर फोकस किया जाता है। लेकिन मार्केटिंग का कंसेप्ट, ये एक नया कंसेप्ट भी आया है, सोशल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, मीन्स के सोसाइटी को भी ध्यान में रखना। यानी मार्केटिंग के जो सारे कंसेप्ट हैं या फंक्शंस हैं वो इस तरह से परफॉर्म किए जाएं कि वो सोसाइटी के फेवर में हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केटिंग करते करते, प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते रखते, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। उनको भी ध्यान में रखना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि सोसाइटी है तो बिजनेस है, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हमें सोसाइटी के जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको ध्यान में रखने में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन हमें उन सभी से बाहर निकलना है और उनके लिए नए नए रास्ते बनाने होंगे। द मार्केटिंग कंसेप्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रोसीडिंग सेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडिक्वेट इफ वी लुक एट द चैलेंजेस posted by social problems like environment pollution, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation. It is so because any activities which satisfy human needs but the detrimental to the interest of the society at large cannot be justified. हम जब भी सोसाइटी को फुलफिल करने के बारे में बात सोचते हैं, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के बारे में बात सोचते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात सोचते हैं, तो हमने बताया कि ये बहुत सारी चीजों के साथ हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। भाई, हमको रॉ मटेरियल तो चाहिए, इनपुट तो चाहिए, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसे कि फर्नीचर का बिजनेस हो या पेपर का बिजनेस हो, जैसे बहुत सारे प्लाईवुड का बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम इतना ज़्यादा उसको दोहन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो हमें, या हमने देखा कि इंडस्ट्रीज इतनी लग गई हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ेगा सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा, जब सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा लोग मरने लगेंगे तो फिर बिजनेस किस लिए। तो हमें इस तरह का भी काम करना है कि सोशल जस्टिफिकेशन हो। आपने देखा होगा हमारे बिजनेस इंडस्ट्रियल यूनिट्स से गंदा पानी नदियों में डाला जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल पोल्यूशन हो रहा है, नदियों में भी, वाटर में भी केमिकल पोल्यूशन हो रहा है, और फिर लोग उसी, बहुत सारे लोग उसी पानी के, नदी के पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो भी बहुत सारे जानवर हैं,
नदी में मछलियां हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको उनसे नुकसान हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सोसाइटी को नीड को पूरा करने के चक्कर में, क्योंकि हमने एक अभी पहले अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, साथ में बिज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हमने एक वर्ड जोड़ दिया, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बीच में सोसाइटी और सोशल मार्केटिंग भी आता है, यानी सोसाइटी को भी हमें ध्यान में रखना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इन सब के चक्कर में सोसाइटी के जो बेसिक नीड्स हैं वही छूट जाएं, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है। द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड देयरफॉर नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कंज्यूमर्स नीड। कोई कंज्यूमर नीड के चक्कर लिए कोई शॉर्ट टर्म हमको बेनिफिट्स नहीं देखने, हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे। इट शुड ऑल्सो कंसिडर लार्ज इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर एज इलस्ट्रेटिव अबाउट, यानी हमें जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में, हमें सोसाइटी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट एंड डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन इन द इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर सो दैट द लॉन्ग टर्म वेल बींग द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ। दस द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इट पेज अटेंशन टू सोशल एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सच इश्यूज दैट नीड टू बी अटेंडेड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स के बारे में सोचना, क्योंकि कंज्यूमर भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। कहीं कंज्यूमर की नीड को पूरा करने के चक्कर में सोसाइटी का, एनवायरमेंट का हार्म ना हो जाए, तो हमें उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। इसको हम ग्रीन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट सोशल मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।